तो आइए आज आपको बताने वाला हूँ मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट किस तरह तैयार किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर से किस तरह तैयार किया जाता है वो बताया था, पर बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायतें आ रही थी कि सर मोबाइल से बताइए प्लीज़, कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं सोचा मोबाइल से बना के बता दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको। आपको जाना है आपके आपके मोबाइल के वेब ब्राउज़र जो भी हो उसमें जाना है। जैसे मैं गूगल पे गया हूँ, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च में DigiLocker डिजीलॉकर डालना है, DigiLocker पर जाना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको पेज नज़र आएगा। सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आ रहा है DigiLocker का, उस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा जैसे आप देख रहे हो। लेफ्ट साइड में मेरे जो तीन लाइन है उस पर क्लिक करना है जैसे मैंने किया हूँ। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से पेज नज़र आएगा। इसमें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप सभी आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं उसको। इसके लिए आपको आधार नंबर आपका होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए आपके आधार से। उसके बाद आपकी आपके आधार पर जिस तरीके से नाम है वो बिल्कुल सेम टू सेम एज आधार वो डालना है। जैसे कि SAYY सैयद भाईजान बदरुद्दीन, ये हो गया नाम। उसके बाद डालनी है डेट ऑफ बर्थ, ये होगी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो डालना है। उसके बाद आपका जेंडर डालना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वो नंबर डालना है जो आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि OTP उसी नंबर पर जाता है। इसके बाद आप पिन डालना है आपको, कुछ आप पिन कोई सा भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको डालना है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। उसके बाद आपको डालना है मोबाइल आधार नंबर, जैसे कि सभी इसमें लिखा हुआ है कौन सी जगह क्या डालना है। ये हो गया मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और नेम। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको सबमिट के ऑप्शन करने के बाद सबमिट इस तरीके से पेज नज़र आएगा। आपका जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP आया होगा, OTP डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगा, यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो रख सकते हो, जैसे कि इनका मैंने रखा है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड, यूज़र नेम इज़ नो एक्टिव, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है इस तरीके से विंडो नज़र आएगी, गेट नो, इस पर भी जा सकते हो आप। जैसे कि इनका सब आ गया है, नेम जैसा था वैसे आया, डेट ऑफ बर्थ आई, जेंडर आया। अब इंस्टीट्यूट टाइप में आपको करना क्या है, आपको करना है यूनिवर्सिटी पर क्लिक। उसके बाद यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से, आप किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका कॉलेज आता है वो आपको डालना है, या आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो वो डालना है। फॉर एग्जांपल
जो स्टूडेंट है ये डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में पढ़ाई कर रहा है। ये होगी इसकी इन्फॉर्मेशन और ये हो गया गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो ये आ गया इनका ABC कार्ड तैयार हो गया है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो जैसे कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हो गया डाउनलोड, आप इसे ओपन करके देख सकते हो। इस तरीके से ABC अकाउंट और ये कार्ड बन गया है। बिल्कुल आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल निश्चित मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इस तरीके की ताज़ी वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रोज़नामा औरंगाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन न्यू पता चल सके। ओके, थैंक यू।